क्वेश्चन है, इन्होंने किया हुआ है ज्योग्राफी है, सोशल साइंस है, साफ बन रही, ये हिल रहा है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस, जो तीनों ही सोशल साइंस है, आपका एसएसटी ही मेजर बनेगा और साथ में आपने एमए ज्योग्राफी की है, तो आप एसएसटी के साथ लैंग्वेज लोगे पंजाबी या इंग्लिश, और लैंग्वेज का आपको एडिशनल देना पड़ेगा, बाद में साथ में भी दे सकते हो एडिशनल, कौन सा, अगर इंग्लिश लेते हो तो 3 साल का बीए का इंग्लिश का देना पड़ेगा, ओके। इसके बाद अगर आप एमए ज्योग्राफी का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो बीएड का आपको बाद में टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी, बीएड का टीचिंग ऑफ ज्योग्राफी ये देना पड़ेगा, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये आपने चूज़ करना है, क्योंकि ये तीनों ही सोशल साइंसेज हैं, वहाँ आप एलिजिबल हो, एसएसटी के लिए बेस्ट है, बाकी आपको एडिशनल करना पड़ेगा हर हालत में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सर जी मैं बीए विच हिस्ट्री इकोनॉमिक्स इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी हुई है, बहुत अच्छा है, सीधा थोड़ा बन रहा है एसएसटी, ये बन गया, गुड है, बेस्ट है, इलेक्टिव पंजाबी माइनर है, पीबी लिख देता इत्थे, एसएसटी जीटी इहदे लई एलिजिबल हो, टीजीटी इहदे लई एलिजिबल हो, कोई भी एडिशनल पेपर नहीं देना पड़ेगा, कोई भी, यही इससे तो चिपके रहना है, थोड़ा बेस्ट है। नेक्स्ट है सर, गवर्नमेंट कॉलेज लई मैरिट लिस्ट आएगी, कोई गवर्नमेंट कॉलेज लई वक्री मैरिट लिस्ट नहीं आएगी, तुसी चॉइस फिल करोगे अपनी मैरिट लिस्ट मुताबक, तुहानू जे बनदी होएगी उत्थे सीट खाली होएगी रैंक मुताबक तुहानू दे दित्ती जाएगी। सर मेरा हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन बीए विच कॉम्बीनेशन सी, गवर्नमेंट कॉलेज वास्ते केड़ा बी एड, सर मेरा हिस्ट्री फिजिकल एजुकेशन बीए विच, ओके हिस्ट्री है फिजिकल एजुकेशन, तीसरा सब्जेक्ट तुसी नहीं लिखा, कॉम्बीनेशन है गवर्नमेंट जॉब वास्ते, केड़ा कॉम्बीनेशन बनेगा दस दो। मैं हुन की दसा, तुसी तीसरा सब्जेक्ट क्यों नहीं दसिया, उस तो बिना गाइड नहीं किया जा सकता, इत्थे फिजिकल एजुकेशन तुहाडा मेजर बन रहा है, है ना, जे तुसी होर कोई सोशल साइंस पढ़ी हुई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी तो हो तो तुसी एसएसटी ले सकते हो, फिर तुहानू एसएसटी नू प्रेफर करना चाहिए है, फिजिकल एजुकेशन माइनर बन जाएगा, फिर एसएसटी बनती है तो उस नाल पंजाबी भी बन सकता है। सो तुहाडी इनफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, मैं वो दोगे तुसी सब्जेक्ट भेजो फिर मैं गल कर सकता हाँ। रूरल एरिया दे प्रोस्पेक्टस नहीं मिले, कोई रूरल एरिया प्रोस्पेक्टस नहीं है, इसे प्रोस्पेक्टस दे विच है जिहड़ा तुसी इत्थे जाओगे इत्थे पंजाब बी एड एडमिशन है ना, इत्थे जाओगे इत्थे यह लिखा हुआ प्रोस्पेक्टस, आ देखो प्रोस्पेक्ट 2023-24 जिहड़ी साइट दे मेन ते जांदे हो तुसी, उत्थे जाके तुसी आराम नाल अपना डाउन करो ते उहदे विच रूरल एरिया दी इनफॉर्मेशन सर्च कर लो, एनी टेंशन नहीं लेना, आप ही जिहड़े देनी है 2500 रुपया तो इन्होंने फीस लैनी सी, ये जनाब कह रहे हैं ठीक है गुड। चलो सर कॉलेज चॉइस सब ले जरूरी है, वक्रे तौर पर वीडियो पाई है, सब ले जरूरी है। सर मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम के फॉर्म में फादर नेम गलत हो गया है, डिफरेंट वीडियो है, बीएड एडमिशंस 2023 gndu.ac.in ते तुसी मिस्टेक अपनी मेल कर दियो। सर प्लीज़ रिप्लाई, जलंधर गवर्नमेंट कॉलेज एडमिशन मिलेगी, बीएससी नॉन मेडिकल साइंस मैथ है, पहला तो ये देखो कि हाँ मिल सकती है, पर रजे ये देखो कि साइंस ते मैथ होते मेजर ते माइनर विच अवेलेबल है, अदरवाइज सी फी मिलन की संभावना है, ये जिथे तक नॉर्मली इन्हें तक मिल जाती है। तानिया तूर जी कह रहे हैं कि सर जे कोई प्राइवेट कॉलेज चितकारा यूनिवर्सिटी तो बीएड करनी चाहे उसकी वैबसाइट पर जाओ, वैबसाइट पर तुम्हें सब मिल जाएगा, फोन नंबर मिल जाएगा, विजिट कर सकते हो, वो कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं नॉर्मली लेंदे, जे लेंदे हैं तो अंदर वाली फॉर्मैलिटी सिर्फ करते हैं और तुम्हें आराम नाल एडमिशन मिल जाएगी। सर हाउ कैन आई चैक माई रैंक, 19 तरीक नूं लिस्ट आ जानी है, उहदे विच रैंक चैक हो जाएगा। सर मेरा बी ए च उर्दू सी, मैं एम ए इंग्लिश च करी है, पर मेरा एम ए का रिजल्ट नहीं आया सी, ते एंट्रेंस टेस्ट फॉर्म च एम ए नू शो कीता सी, केड़ा है एम ए, यस उर्दू बी ए उर्दू च कीती है, एम ए इंग्लिश है ना, सो कोई गल नहीं, तुसी बी एम ए विच 50% बी ए च
जे थोड़े 50% जी एलिजिबिलिटी जनरल कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी की बनती है जो पूरी कर दे तो एम ए का कोई वो नहीं है रिजल्ट आया है नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुहानू उर्दू बी ए है उर्दू एक सबजैक्ट होएगा उर्दू के इलावा बाकी तो कोई हिस्ट्री पोलीटिकल कोई इदा के सबजैक्ट होने उन्होंने बेस से तुम्हें एडमिशन मिलनी है सो एंट्रेंस टेस्ट एम ए च शो नहीं किया सर प्लीज़ मैनू दस दो मैनू कि सबजैक्ट रखना चाहिए है पहला तुम ये दसो मैनू कि बी ए इतने मैं लिख दया इन्हों सामने सर मेरे बी ए की हुए उसमें मेरे पास इलेक्टिव इंग्लिश इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस है इसी पर फोकस करना है इलेक्टिव इंग्लिश को माइनर सब्जेक्ट मिलना है नहीं छोड़ना गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो टीजीटी के लिए एलिजिबल हो कोई एडिशनल पेपर नहीं देना पड़ेगा और अब इसमें से लेना पड़ेगा मेजर आपका एक तो कंप्यूटर साइंस बन रहा है कंप्यूटर साइंस इंग्लिश और दूसरा इकोनॉमिक्स इंग्लिश यहाँ मेजर ये बन रहा है लेकिन आपको ये देखना होगा कि आप एम ए इकोनॉमिक्स करोगे तो आप पी जी टी के लिए एलिजिबल होगे इकोनॉमिक्स के साथ आप टी जी टी के लिए एलिजिबल नहीं होगे कंप्यूटर एजुकेशन के साइंस के साथ आप टी जी टी के लिए एलिजिबल हो और इंग्लिश के साथ आप टी जी टी के लिए एलिजिबल हो आगे आपने चुनना है आगे क्या लिखा है जनरल है हिस्ट्री एंड कल्चर पंजाब सर मेरे बीएड एंट्रेंस टेस्ट में 73 मार्क्स हैं सर मेरे को मेरे को ये जानना है कि मुझे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केड़ा रखना है इंग्लिश इकोनॉमिक्स या इंग्लिश एसएसटी प्लीज़ टेल मी देखिए अगर आप पंजाबी यूनिवर्सिटी में हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हैं तो इकोनॉमिक्स के साथ भी आप सोशल एसएसटी ले सकते हो मेजर सब्जेक्ट साथ में मेजर सब्जेक्ट के साथ इट मींस आपका इलेक्टिव इंग्लिश एसएसटी इंग्लिश बन जाएगा लेकिन अगर एसएसटी लेते हो पंजाब यूनिवर्सिटी या पटियाला यूनिवर्सिटी से तो आपको एसएसटी के लिए इकोनॉमिक्स के साथ एक हिस्ट्री का ज़रूर देना पड़ेगा एडिशनल सब्जेक्ट हिस्ट्री का ही देना है ये क्योंकि आप सेंटर और स्टेट दोनों में एलिजिबल बन जाओगे सर मैथ के नाल किहड़े सब्जेक्ट कॉम्बीनेशन होने चाहिए हैं तुसी अपने तीन सब्जेक्ट बी ए दे भेजो फिर मैं दसांगा तुहाडा बेस्ट की बनता है मैथ्स के नाल वैसे लैंग्वेज भी बन जाता है मैथ्स जे इकनोमिक्स पढ़ी है इकनोमिक्स भी बन जाता है कंप्यूटर साइंस पढ़िया है कंप्यूटर साइंस भी बन जाता है तुसी की पढ़िया है उसके मुताबिक पता चलेगा सर मैं बी ए च पी यू पीच की है हूँ मैं बी एड पी यू पीच कर सकता हाँ चंडीगढ़ तो पटियाला यस कर सकते हो हैलो सर प्लीज़ मेरे भी क्वारी बता दो यहाँ पर मेरे पास उत्तर नहीं है मैं सभी की दे रहा हूँ सॉरी अगर नहीं आई तो वेरी सॉरी कार्ट वाले नु गवर्नमेंट सोट मिल जाएगी दसना पेगा तो थोड़ा कि रैंक सॉरी कि सब्जेक्ट है तो कैटागरी केड़ी है कॉलेज केड़ा है सीटा उत्थे किनिया हैं सर जिन्हें ने पहला एडमिशन करवा ली है प्राइवेट कॉलेजों से हम गवर्नमेंट जा सकते बिल्कुल जा सकते हैं 110 है तो 5,000-10,000 ले है 100% वापस करेंगे अदरवाइज तुम यूनिवर्सिटी नू कह सकते हो मेल कर सकते हो कि इस कॉलेज ने शिकायत कर सकते हो कि इस कॉलेज ने मेरे पैसे ले ने और मेरे वापस नहीं करता बेशक रसीद भी नहीं दी कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्शन लेगी लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है सर इस साल दी मैरिट लिस्ट कितने 19 तरीक नू मैरिट लिस्ट आ जाएगी है ना सो इस वीडियो दे क्वेश्चन इतने खत्म होंगे ने थैंक यू